डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी से तो चलते ही हैं, और साथ साथ उस एक्सरसाइज का बात कर ले जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, वो एक्सरसाइज है 6.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज का बात कर लेते हैं। तो 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हो गया था। 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्यूशन करना, कि 10 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। खैर, आपके पास बुक है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो हम पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे। तो आप जरूर किताब खोल लीजिए सामने और फिर पढ़िए, और खुद हम पढ़ते हैं और फिर हम चीजों को समझाएंगे, फिर आप समझिए, तब उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसको बनाना कैसे है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इन सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जरा पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन, ए लैडर। लैडर मतलब होता है सीढ़ी, जिस पे आप चढ़ते हैं ना, लैडर, सीढ़ी लगाकर छत पे, वो लैडर है। लैडर मतलब सीढ़ी। सीढ़ी कितना मीटर लॉन्ग है? 5 मीटर लॉन्ग। इज लिविंग अगेंस्ट अ वॉल। चलिए हम लोग फिगर में स्केच करते हैं। बोल क्या रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, कि एक वाल है, इधर क्या है, तो ये वाल है, जिसको बोल सकते हैं दीवाल। वाल बने दीवाल, ठीक है। और एक धरती है, अर्थ है, देख पा रहे होंगे ये सब क्या है, अर्थ। ये क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब धरती, ठीक है। अब इसी से एक सीढ़ी लगा हुआ है जिसको लैडर बोल रहे हैं। लैडर, ध्यान से समझिएगा, ये लैडर है। सॉरी, अच्छा सा बनाइए फिगर, ठीक है। एक सीढ़ी लगा हुआ है, किससे? तो दीवाल से। दीवाल से एक सीढ़ी लगा हुआ है, अब इस पे हमें चढ़ना है। सवाल ऐसा बोल रहा है कि एक दीवाल से सीढ़ी लगा हुआ है, और सीढ़ी का जो लंबाई है, लैडर है, वो 5 मीटर लॉन्ग है, यानी यहां से लेकर यहां तक वो 5 मीटर लंबा है। कौन? सीढ़ी। फिर क्या बोल रहे हैं कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए बोल क्या रहा है कि इसके निचले हिस्से को, सीढ़ी के निचले हिस्से को पुल डाउन कर रहे हैं। पुल डाउन का मतलब इसको खींच रहे हैं। तो जैसे इस सीढ़ी के निचले हिस्सा को अगर हम लोग खींचेंगे, तो एकदम गारंटी बात है कि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे मान लीजिए ये अगर सीढ़ी रहता, इसको हम लोग अगर ऐसे खींचते तो ये नीचे की ओर आता। यानी कि उसमें बोल रहा है कि लैडर का जो निचला वाला हिस्सा है, निचला वाला पार्ट है, इसको आप खींचिए, ठीक है, तो इसको खींचिए। तो सबसे पहले यहां से यहां तक के डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं हम लोग, कि डिस्टेंस माना कि कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ का मतलब क्या, यहां से यहां तक डिस्टेंस माना एक्स सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक वाई सेंटीमीटर डिस्टेंस माने हैं हम लोग, ठीक है। अपने से खुद से माने कि आखिर जहां लैडर होगा वहां से उस दीवाल से कितना दूरी होगा एक्स, और हाइट कितना होगा, यानी कि कितना हाइट पे होगा अभी सीढ़ी, वाई। बोल क्या रहा है सवाल कि इस निचले वाले हिस्से को खींचना है कितना से, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब निचले वाले हिस्सा को जब हम लोग खींचेंगे, इसका मतलब सवाल में दे दिया कि एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअली वो उसको एक्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पर सेकेंड है, इसलिए हम लोग dx/dt बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल क्या बोला कि निचले वाले हिस्से को हम लोग खींचना शुरू कर रहे हैं, तो निचले वाले हिस्सा को भी हम क्या माने हैं, एक्स, और जब निचले वाले हिस्सा को जब एक्स माने हैं, तो जो बोल रहा था कि निचले वाले को हम लोग खींच रहे हैं, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से खींच रहे हैं। इसका मतलब एक्स को
टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया होगा तभी तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख रहा होगा। समझ रहे चीजें क्या हो रही है? इसीलिए dx बटा dt का वैल्यू कितना दे दिया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा फिर और आगे पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं। फिर सवाल बोल रहे हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। बोल रहा है कि अगर आप इसको खींचेंगे सीढ़ी को तो इसका हाइट कितना से डिक्रीज हो जाएगा, कितना से घटेगा? घटेगा ना भाई, हाइट तो एकदम घटना ही घटना है, लेकिन हाइट कितना से घटेगा यही सवाल हमें पूछ रहा है। यानी हो क्या है, जब आप इस निचले वाले हिस्से को खींचेंगे तो एकदम पक्की बात है कि ऊपरी वाले हिस्सा नीचे आएगा। तो यानी कि सवाल में हमें dx बटा dt का वैल्यू दिया हुआ है और d चूंकि हाइट अभी कितना है y ना, हाइट अभी कितना है y, हमें dy बटा dt निकालना है यानी कि हाइट, क्योंकि हाइट को हम लोग क्या मान लिए हैं, हाइट को मान लिए हैं y, तो dy बटा dt निकालना है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, कब निकालना है? जब 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी कि ये कब निकालना है, जब x का वैल्यू, ये कब निकालना है, जब x का वैल्यू 4 मीटर डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए अब क्या बोल रहा है कि ये dy by dt कब निकालना है, जब when x का वैल्यू 4 मीटर हो जाए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, अगर x का वैल्यू 4 मीटर खींचा जाए, यानी कि अगर x का वैल्यू 4 मीटर अवे खींच दिया जाए तब आपको dy by dt का वैल्यू निकालना है, यानी कि हाइट में कितना हो जाएगा उसका वैल्यू। चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि dx by dt 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग यहां पे एक चीज और गौर करें, वो कौन सा चीज है जरा देखिए। हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है और इसमें कर्ण क्या है 5, आधार क्या है x और लंब मतलब ऊंचाई क्या है y। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर 5 स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर y स्क्वायर। यहां पे आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 और x का वैल्यू कितना रखने के लिए बोल रहे हैं 4 मीटर। यहां इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मानना क्या है 25 बराबर यहां पे अब x का वैल्यू कितना लिखेगा, चूंकि x का वैल्यू 4 दिया हुआ है सवाल में तो यहां 4 का स्क्वायर रखिए प्लस y स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 25 और ये प्लस में 16 है, इधर आ जाएगा तो -16 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 बराबर वाई का स्क्वायर और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो रूट 9 बराबर वाई। इसलिए पता चल गया दोस्तों वाई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है अब यहां से आप तो देख पा रहे होंगे कि हमें क्या पता चल रहा है, वाई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब जब y का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया तो अब क्या करना है, हमें तो dy by dt हर हाल में निकालना है। अब dy by dt निकलेगा कैसे, जरा चीजों को समझिए। क्योंकि हम लोग सबसे पहला ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लगाएं, x का वैल्यू 4 रखें तो यहां पे y का तो वैल्यू निकल गया कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है अब आपको करना क्या है, अब फिगर मिटाते हैं क्योंकि अब फिगर का काम नहीं है। ठीक है अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब दोस्तों होता क्या है, यहां पे हमको जो फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से आया है
अब इसको क्या करना है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में जो सवाल दी गई होती है पर सेकेंड में सवाल दिया गया है, यानी कि डीटी के रिस्पेक्ट में हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। आप यहां पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। जैसे कि हम लोग ऐसा वाला सवाल डिफ्रेंशिएशन किए हैं, बराबर वाला रहता था तो कैसे रखते थे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टू टी बोथ साइड, तो यहां क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर बटा डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी टी इक्वल टू 25 का डिफ्रेंसिएशन डी 25 बटा डी टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज समझिए कि डीएक्स बटा डी टी का वैल्यू हमें दिया है कितना, 2, और एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 4, और वाई का वैल्यू कितना है, 3। चलिए इसी सब का यूज करेंगे, फिलहाल हम मिटाते चल रहे हैं। तो अब यहां पर डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा जरा देखिए, एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर बट्टा डीएक्स, और नीचे वाला डीएक्स ऊपर जाएगा तो डीएक्स बट्टा डी टी प्लस, उसी तरीके से इसको भी करेंगे डी वाई स्क्वायर को वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में और इंटू डी वाई बट्टा डी टी, और इक्वल टू क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, 0। क्यों, क्योंकि 25 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या यहां पे आया, चलिए जरा देखते हैं। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, उसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो पावर आगे चला जाता है, यानी कि 2x इनटू dx बाय dt प्लस, वैसे ही वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में बनेगा 2y इनटू dy बाय dt इक्वल टू 0। अब करना क्या है प्यारे साथियों, 2 का तो 2 है, अब सवाल में बोला कि x के जगह पे कितना रखना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे 4 रख दिया इंटू dx बाई dt, तो ये सवाल में दिया है dx बाई dt का वैल्यू सवाल में दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dx बाई dt के जगह पे 2 रख दिया प्लस 2 इंटू वाई, y की जगह पे कितना, तो अभी हम लोग y का वैल्यू 3 निकाले थे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग y का वैल्यू √9 निकाले थे ना, और √9 का वर्गमूल 3 था, वो वाला y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और dy बटा dt छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि इसी का तो मान निकालना है, सवाल इसी का मान बोल रहा है कि आप हाइट निकालो, हाइट निकालो, और हम हाइट को शुरू में ही मान चुके हैं y, क्या माने है उसका, वाई माने हैं, तो इसीलिए dy बाई dt का वैल्यू वैसे ही छोड़ दिए, क्योंकि हमें उसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पे जरा देख लीजिए क्या बन रहा होता है, तो 4 दुना का 8, 8 दुना के 16 प्लस 3 दुना का 6 इंटू dy बाई dt इक्वल टू 0। अब यहां पे 6 इंटू dy बाई dt और ये प्लस 16 है, उधर जाएगा तो -16, इसलिए dy by dt का जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे साथियों -16 बटा में 6 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 8 गुना 16 और 3 गुना 6, इसलिए प्यारे साथियों इसका जो वैल्यू होगा -8 बटा 3 होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि y है, y मने हाइट, हाइट सेंटीमीटर में रहेगा और नीचे dt है यानी कि टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ चुका है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सब बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ने चाहिए कि अच्छा क्या क्या का मान दिया है, क्योंकि देखिए अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट पीरियड है, तो आपको लैंग्वेज समझना चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ गए क्या 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 दिया है, स्टडी वाला मामला में क्या क्या होता है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, पहले क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व है, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ मुड़ान रास्ता है, जिसको हम लोग कर्व कहते हैं।
कर्व है, फिर बोल रहा है उसका कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहां पे लिखिएगा गिवन, गिवन क्या है भाई, तो इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है कितना, 6y = x³+2, ये चीजें दिया हुआ है ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया, अब इसमें बोल क्या रहा है जरा सवाल समझिए, बोल रहा है ये कि इक्वेशन में कोई भी समीकरण में x और y तो होता ही होता है, वैसे ही यहां पे भी x और y में एक समीकरण दिया है जो एक कर्व का समीकरण है। कर्व का समीकरण कहने का मतलब क्या कि एक मुड़ान रास्ता होता है ना, उसी का एक इक्वेशन दिया है 6y = x³+2। देख लेते हैं क्वेश्चन यही है ना, 6y = x³+2 ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बोल क्या रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए, क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि आप निर्देशांक निकालिए, और निर्देशांक हमेशा पता है कैसे लिखा जाता है, निर्देशांक हमेशा लिखा जाता है ब्रैकेट में, जैसे आप पढ़े होंगे 10th class में दोस्तों, अगर मान लिया जी कि 2 और 3 रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे, इसको 2-3 निर्देशांक है का मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। वैसे ही करके एक कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे x अक्ष भी चेंज हो रहा है, x निर्देशांक भी चेंज हो रहा है, y निर्देशांक भी चेंज हो रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ठीक है, निर्देशांक हिंदी हुआ और कोऑर्डिनेट अंग्रेजी हुआ। इसमें बोल रहा है कि y जो कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना गुना, तो x का 8 गुना हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि आल्सो गिवन। और एक चीज ये तो दिया ही हुआ है, एक चीज और दिया है कि y कोऑर्डिनेट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और चेंज कितना हो रहा है, तो x निर्देशांक जितना बदल रहा है उसका 8 गुना हो रहा है, यानी कि ये हमें क्या बोला, तो सवाल बोला हुआ है ठीक है, यानी कि y कोऑर्डिनेट का जो बदलने का रेट है, इसीलिए हम इसको dy/dt बोल रहे हैं ठीक है, y कोऑर्डिनेट का बदलने का जो रेट है वो x कोऑर्डिनेट का 8 times है, 8 times का मतलब 8 गुना है ठीक है। अच्छा अब इसको जो इक्वेशन दिया है, चूंकि 6y = x³+2 ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां बनेगा क्या, 6 dy/dt बनेगा ना भाई, = यहां बनेगा dx³/dt + d2/dt। अब यहां पे क्या बन रहा है, 6, और पता है dy/dt का वैल्यू कितना है, तो 8 dx/dt, तो यहां पे क्या रखिए, dy/dt के जगह पे क्या रखिए, 8 dx/dt, तो यहां पे dy/dt के जगह पे रख दिया 8 dx/dt। समझ में आ रहा है ये कहां का वैल्यू रखा, अब कि यहां तो dy/dt है, और चूंकि dy/dt का वैल्यू सवाल में दिया था कि 8 गुना है x का, तो इसीलिए हम 8 dx/dt रख दिए, फिर = इसको हम लोग चेंज करेंगे तो x³ को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला dx कहां जाएगा, ऊपर, समझ पा रहे हैं कैसे निकल रहा है, और ये 2 है तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0। चलिए अब हम लोग आगे का काम करते हैं, आगे के काम में ऊपर से मिटाते हैं, चलिए
तो यहां पे क्या बनेगा जरा अच्छा से देखिए, 6 8 जा 8 6 48 dx बट्टा dt, और यहां कितना बनेगा dx cube बट्टा dx, तो इसका बनेगा 3x स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया इसको, ठीक है, इनटू dx बट्टा dt। भाई जीरो का तो कोई बात नहीं है, जीरो ऐड में रहे या फिर घटाव में रहे उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर जीरो ऐड में है। चलिए उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ जब गुना में dx बाय dt dx बाय dt है तो कट आउट हो गया ना, समझ रहे, यानी कि यहां पे भी dx बाय dt है, यहां पे भी dx बाय dt है, दोनों कट आउट हो गया, क्या बच रहा है 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहां पे 3 जो है गुना में है तो 3 इधर भागा में चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा 48 बटा 3 एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 48 जो है 3 से कितना बार में कटेगा, 48 जो है ये 16 बार में कटेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 16 बराबर क्या एक्स स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना होता है तो इधर स्क्वायर है तो इधर चढ़ता है तो कुछ आता है, इधर बदलता है तो रूट में, तो यहां प्लस माइनस दोनों में रूट होता है, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 4। अब आपको क्या करना है देखिए, चूंकि सवाल में क्या गिवन था, फिर से लिखेगा गिवन 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 था, यही ना दिया हुआ था। अब क्या करना है, यहां से दो टाइप्स में तोड़ना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है, कब भाई, तो x का वैल्यू जब x का वैल्यू प्लस में 4 होगा तब कितना होगा, और दूसरा पार्ट में तोड़िएगा कि when अगर x का वैल्यू माइनस में 4 हुआ तब y का वैल्यू कितना होगा। तो अब यहां से तो दोनों आया है प्लस में भी और माइनस में भी 4, तो आप करेंगे क्या, दो अलग अलग रास्ता अपनाएंगे, एक बार आप प्लस 4 देंगे एक बार आप माइनस 4 देंगे, ठीक है। तो जब आप प्लस 4 लेंगे यहां पे तो समीकरण में x के जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लस 4 का प्लस 4 पुट करेंगे, तो यहां बनेगा 6y और प्लस 4 का क्यू प्लस 2, तो यहां बनेगा 6y इज इक्वल टू 4 का क्यू कितना 64, और 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66, इसलिए y का वैल्यू कितना 66 बटा 6 यानी कि 11। प्यारे साथियों हम लोग पढ़े हैं ना कि देन सो अगर x का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 11, इसलिए पहला जो आंसर होगा 4,11 होगा, यानी इसी को बोलते ना है निर्देशांक, तो हमें तो निर्देशांक पूछ रहा था, हमें तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो इसीलिए x के जगह पे 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 11, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं x के जगह पे कितना रखने माइनस 4, तो फिर से वही चलेंगे 6y इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस में 2, तो यहां हो जाएगा 6y और इसका पावर 3 करेंगे, और ये माइनस में है तो इसका पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस 4 गुना माइनस 4 गुना माइनस 4, तो यहां पे बन जाएगा माइनस 64 प्लस में 2। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे 6y बराबर माइनस 64 और 2 मिलके माइनस 62 हो गया, इसलिए यहां पे जो y का वैल्यू निकलेगा माइनस 62 बटा 6, या u बोले तो ये कटेगा 31 दुना 62 और 3 दुना का 6। तो यहां पे निर्देशांक कौन सी आया, यहां पे निर्देशांक आएगा माइनस 4 कॉमा माइनस 31 बटा 3। तो प्यारे साथियों यहां पे सवाल यही बोल रहा था कि एक कर्व्ड का समीकरण इक्वेशन दे दिया था और वहां पे ये बोल रहा था कि वाई अक्ष जितना बदल रहा है उससे 8 गुना एक्स अक्ष बदल रहा है, बस इतना ही सवाल बोला था, और फिर बोल दिया था कि अगर ऐसा होता है तो आप निर्देशांक निकालिए कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो यहां पे तो दो दो मान आया, तो प्लस और माइनस का यूज करके हम लोग दोनों ही चीजें यहां पे रखेंगे तो मेरे पास दो दो आंसर आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए एयर बबल किसको कहते हैं, जरा ये समझिए। कभी आप बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदे जैसे ही आंगन के भरे हुए पानी में टपकती है तो वहां पर ऑटोमेटिक बुलबुला उत्पन्न होता है, वही बुलबुला को अंग्रेजी में बबल्स कहते हैं, जिसको एयर बबल भी बोला जाता है। एयर बबल का मतलब क्या, उसमें वायु भरा होता है और फिर कुछ मिनटों के बाद, कुछ सेकेंडों के बाद वो बबल क्या होता है, समाप्त हो जाता है, फूट जाता है, उससे हवा निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पे सवाल क्या बोल रहा है कि एक एयर बबल है। अब जैसे ही एयर बबल बोल दिया तो आप समझिए कि एयर बबल कैसा हुआ, एक घन जैसा बनेगा कि घनाभ जैसा बनेगा, कि बेलन बनेगा, कि शंकु बनेगा, कि गोला बनेगा, क्या बनेगा। तो आपको पता चल गया कि अच्छा एयर बबल बोल रहा है, इसका मतलब गोला, स्फेयर। ठीक है, अच्छा जो एयर बबल बनेगा, गोला बनेगा, उसका रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है, कितना से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लिया एक एयर बबल है, थोड़ा सा अच्छा से गोल बनना चाहिए, हाँ एक एयर बबल है, ये है क्या, तो ये है एयर बबल, एयर बबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बबल का स्पेलिंग BUBBL, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, एयर बबल है, हवा का बुलबुला है, इसका हिंदी हुआ हवा का बुलबुला, तो हवा का बुलबुला रहेगा तो उसका भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। हम रेडियस को कितना मान लिए, आर मान लिए हैं, कि उसका जो रेडियस है वो आर है। फिर क्या बोल रहे हैं कि वो चेंज कर रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, तो एयर बबल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो आप यहां पे लिखिएगा गिवन रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एयर बबल कितना दिया है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस किसकी रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड दिया था, इसीलिए हमको पता चला कि वो डीटी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट हुआ होगा, तभी तो बट्टा में सेकेंड आया है। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है कि व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, हमें क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द बबल निकालना है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द बबल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बबल BUBBL क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बबल। अब वॉल्यूम ऑफ द बबल यानी कि हम इसलिए बोल सकते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो वॉल्यूम को हम लोग भी से सूचित करते हैं, और बबल का मतलब क्या, गोला ना, स्फेयर, तो इस तरह से बबल नहीं है, एक गोला है, और गोले का वॉल्यूम माने कि आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr³ ये होता है। अब इसका निकालना है तो इसके सूत्र जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहां पे लिखिएगा नाउ इसको dv/dt, क्यों डीटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे डीटी के रिस्पेक्ट में दिया था, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया था, इसीलिए डीटी किए। यहां पे देख दीजिए dv का वैल्यू कितना है, 4/3 πr³/dt। ठीक है, अब यहां से जरा मामला को चेंज करते हैं, क्या बन रहा होगा, इज इक्वल टू यहां पे देखिए, तो 4/3 π जो है कॉमन है, इसको बाहर निकालिए, तो ये कांस्टेंट है, तो 4/3 π कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, फिर क्या बच रहा है, dr³ को dr के रिस्पेक्ट में और dr/dt, तो 4/3 π। अब r³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे चैन रूल लगा दिए, r³ का
तो टी के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता था, इसीलिए आर क्यू को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में कर दिए और नीचे वाला आर को ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पे बन रहा है 3R² और इस dr by dt का वैल्यू वहां से 1/2। इस तरीके से यहाँ पे जो हम लोग का बन रहा है 3 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बन रहा है 4πr² × 1/2। अच्छा एक मिनट, हम लोग ये चीज भूल रहे हैं कि 2 से 2 भी तो कटेगा, तो क्या बन रहा है 2πr², ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए, अंतिम अंतिम में सवाल पढ़िए 12 नंबर का। बोल रहा है कि रेडियस कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहां लिख दीजिए वेन रेडियस आर का वैल्यू कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू 1 लेंगे तो यहां कितना बनेगा, 2π × 1² यानी कि 2π आ जाएगा। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हम लोग किसका वैल्यू निकालें, वॉल्यूम ऑफ बबल का ना, तो वॉल्यूम जहां कहीं भी होता है वहां पे क्यूब चढ़ता है यूनिट में, तो यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहां लिख दीजिए 2π cm³/s, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हमें जो आंसर आया 2π cm³/s आ गया। यानी कि क्वेश्चन बहुत इजी था, बस समझ जाइएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर कोई चीजें हार्ड नहीं होती है, ठीक है, कोई चीजें हार्ड नहीं होती है, बशर्ते आपको समझना आना चाहिए। समझ आ गया तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये चूंकि 12 नंबर क्वेश्चन है फिर हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। क्या बोल रहे, एक बैलून है और वो बैलून जो है, बैलून मतलब फुलौना, ये बैलून जो है एक स्फेरिकल के फॉर्म में है। स्फेरिकल का मतलब एक गोला के फॉर्म है, एक गोला के फॉर्म में है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, ठीक है, यानी कि उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 3/2 × 2x + 1। तो हमें बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए, ठीक है, क्वेश्चन को देख लिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर है, अब इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा। एक बैलून है और ये बैलून किस रूप में है भाई, तो एक स्फेरिकल के रूप में है, एक बैलून जो है स्फेरिकल के रूप में है, ठीक है, एक बैलून है और ये बैलून स्फेरिकल के रूप में है, तो बैलून स्फेयर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका सेंटर होगा, कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा और कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, होगा ना। लेकिन सवाल में जो दिया हुआ है, गिवन, सवाल में हमें डायमीटर दिया है और डायमीटर का मतलब जानते हैं, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, डायमीटर का मतलब व्यास। अब डायमीटर चूंकि हमें दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है जरा समझिए, गिवन है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून कितना दिया है, 3/2 × 2x + 2। एक मिनट देख लेते हैं, यही है ना, 3/2 × 2x + 1, ठीक है, ये क्या है, डायमीटर। और डायमीटर किसको बोलते हैं, डायमीटर बोलते किसको है, तो डायमीटर हम लोग पूरे, यानी कि अगर कोई लाइन सर्किल का अगर सेंटर से पास करता है तब हम लोग उसको पूरा का पूरा डायमीटर बोल देते हैं, ये पूरा डायमीटर है। और डायमीटर का आधा जो होता है रेडियस होता है, जानते हैं हम लोग, पूरा का अगर बोले तो अगर सेंटर से पास करता है तो डायमीटर व्यास कहलाता है, और उसका त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। और सवाल में हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, यानी कि व्यास दिया हुआ है, तो जब व्यास दिया हुआ है तो इसलिए आप रेडियस का मतलब त्रिज्या
आर निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है भाई, तो डी बाई टू, यानी कि डायमीटर जो होता है उसमें आप टू से डिवाइड कर दीजिए। तो डायमीटर क्या दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया है 3/2 इंटू 2x+1, ठीक है। अब ये तो हमें डायमीटर दे दिया, अब डायमीटर दे दिया तो ऊपर रख दिए और नीचे में तो फार्मूला होता है 2, तो ये 2 जब नीचे आएगा ये वाला तो कितना बन जाएगा 3/4 2x+1। अब हमें रेडियस का वैल्यू पता हो गया कितना, यानी कि त्रिज्या हो गया हमें पता कितना, त्रिज्या हो गया 3/4 इंटू 2x+1। अब जरा सवाल क्या बोल रहा है कि आप वॉल्यूम ऑफ निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून निकालना है, स्फेरिकल बैलून आपको निकालना है कि इस स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम कितना होगा। और हम लोग जानते हैं कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, स्फेयर यानी कि गोले का वॉल्यूम, गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना, 4/3 πr³। आप देखिए तो यहां पे 4/3 पाई का पाई छोड़ देना है, अब r का क्यू करना है, और r का मान यानी रेडियस, त्रिज्या कितना आया 3/4 2x+1, तो यहां पे लिख दीजिए 3/4 2x+1 का क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, सॉरी पाई का तो पाई रख देना, आर की जगह पे 3/4 2x+1, लेकिन इसका क्यूब हमें करना है क्योंकि आर का मान तो टोटल है। चलिए जरा फिर से कुछ मिटाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहां तो हो गया, फिर आगे का जो काम करेंगे वो कैसे करना है, क्योंकि अभी वॉल्यूम निकाल रहे हम लोग, अब इसको चेंज को निकालेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करना होगा। खैर उसके आगे लिखेंगे, 4/3 है तो 4/3 इंटू पाई इंटू 3/3 करेंगे, तो 3 को अगर पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 27, और 4 का अगर पावर 3 करेंगे तो 4 × 16 = 64, और इसका क्यू करेंगे तो बनेगा 2x+1 का क्यू, ठीक है। अब यहां पे कुछ कुछ कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है भाई, तो 3 से ये 9 बार में कट रहा है, 3×9 = 27 और 16 × 64, तो 9/16। और ये a+b का होल क्यू का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो जरा देख लीजिए, यहां पे a+b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसी फॉर्मूला पे इसको क्या कर दिए, तोड़ना चाह रहे हैं, तो a का क्यू मैंने 2x का क्यू, फिर b का क्यू मैंने 1 का क्यू, फिर 3a² यानी कि 2x² इंटू में b यानी कि 1 प्लस 3ab² तो 2x प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो टोटल क्या बन गया, तो 9/16, यहां क्या बनेगा, तो 2 का क्यू बने कि 8x³ + 1, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो यहां हो जाएगा 12x², फिर कितना, तो 3×2 = 6x, ठीक है, ये बन गया। अब चलिए जरा ऐसा करते हैं कि क्यों ना 9/16 का हम लोग गुना करा लेते हैं, यानी कि 9/16 को अगर इसके साथ गुना कराएंगे तो 8×2 = 16, तो 9/2 बनेगा और x का क्यूब बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से प्लस, फिर 9/16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 9/16 प्लस 9/16 को 12 से गुना कीजिए, तो 9/16 × 12, तो 4 × 16 3 × 12 ठीक तो था, ठीक है। तो यहां पे 9 × 3 = 27/4 बनेगा, तो यहां लिख दिया 27/4 और 1 स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, तो 9/16 को 6 से गुना करेंगे, देखिए कितना बनेगा,
तो 9/16 गुना में 6, तो ये बनेगा 8 × 16, 3 × 6, 27/8 एक्स। ठीक है प्यारे दोस्तों साथियों, ये जो हमें आया ये किसका वैल्यू आया, तो अभी हम लोग भी का वैल्यू आया। ठीक है, अब भी का वैल्यू जो आया इसको अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है। तो सब फंक्शन किसमें है, एक्स एक्स में है, सब फंक्शन किसमें है, एक्स में है, इसीलिए हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि सर पहले तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में करते थे, तो भाई मेरा प्रॉब्लम था, मजबूरी थी, क्योंकि जो दिया गया था वो टी ही था उसके नीचे, लेकिन यहां जो दिया गया है वो सिर्फ रेडियस और डायमीटर का वैल्यू दिया है, उसमें उसके नीचे कोई बट्टा में कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो इसीलिए अब हमको अपने तरीके से करना होगा कि इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि ये डिफ्रेंसिएशन हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर लिख लीजिएगा डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हम लोग यहां पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसलिए dv by dx। तो dv by dx का वैल्यू कितना आएगा, तो 9/2 तो कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो dx cube बटा में dx प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो d 9/16 का डिफरेंशिएशन हो गया dx प्लस 27/4 बाहर निकल जाएगा और dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 27/8 बाहर निकल जाएगा और dx/x dx। ठीक है चलिए, तो अब हम लोग इसको आगे करते हैं कि क्या बनने वाला है। तो इसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, 9/2 × इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो x क्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा 3x² फिर प्लस, हम जानते हैं ना कि कोई भी डिफरेंशिएशन हो अगर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो ये 9/16 है इसका कितना वैल्यू होगा, 0। फिर 27/4 है तो आप 27/4 लिखिए, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा इनटू में 2x प्लस 27/8 और यहां पे देखिए dx/dx, तो dx/dx का वैल्यू कितना, 1, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे कितना होगा, 9 × 27/2 x² प्लस यहां पे तो 2 × 4 कट जाएगा ना, यहां पे 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 से ये 2 मर्तबा में कटा, तो यहां पे क्या बन रहा है, 27/2 x, यहां पे कितना बन रहा है, 27/8। आप यहां से देखिए तो हम लोगों का जो dv/dx का वैल्यू आ रहा है, अब देखते हैं थोड़ा सा आंसर कि ये जो आंसर है ना वो किस रूप में दिया हुआ है, क्योंकि आंसर भी तो मिलना चाहिए भाई, इतना मेहनत के बाद आता है तो आंसर मिलाना लाजमी है कि क्या हो सकता है इसका आंसर किस रूप में दिया है ना। तो देख लेते हैं आंसर 6.1 का जो आंसर 27/8 π, 27/8 π ये कहां से ले लिया भाई, अच्छा एक मिनट हम लोग को छूट रहा है, क्या छूट रहा है जरा देख लेते हैं, छूट रहा है, देखिए छूट कहां गलती हुआ है, क्योंकि हम लोग भी का वैल्यू था क्या 4/3 π r² था ना, तो हम लोग क्या किए, क्या है ना कि सब में पाई को छोड़े हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 4/3 था पहले, फिर पाई भी था पहले और r का मान पुट किए, ये पाई जो है ना हम लोग पहले ही छोड़ चुके हैं इसमें भी वाले में, इसलिए क्या करना है, एक गलती हुआ है कि पाई जो है ना सब में लगाइएगा,
तो यहां पे भी पाई होगा तो पाई बाहर निकल जाएगा, है ना, यहां पे पाई, यहां पे पाई, पाई कांस्टेंट है ना, तो पाई बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से पाई रहेगा ही रहेगा सब में, ठीक है, यहां पे भी पाई, यहां पे भी पाई, यानी कि पाई रहेगा ही रहेगा सब में, यहां पे भी पाई रहता, यहां पे भी पाई रहता, तो यहां पे भी पाई रहता। अब यहां पे कर क्या रहा है कि चूंकि हम लोग वहां पे छोड़ दिए हैं पाई को, तो ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, वहां पे पाई हम लोग छोड़े हुए हैं, बैक में चले जाइएगा और पाई को लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, हम लोग से मेरे से गलती से छूट गया है, तो पाई लेंगे। अब पाई के बाद देख लेंगे कि यहां से कॉमन क्या हो रहा है, तो हम लोगों को आंसर चूंकि मिलाना है इसलिए आप 27/8 पाई को कॉमन लीजिएगा, 27/8 पाई कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां कितना रखना पड़ेगा, यहां पे कितना रखना पड़ेगा, तो यहां पे 4x² रखिएगा तभी ना 4 × 8 कटेगा तो 27/2 बनेगा। इसलिए आपको यहां सोचना पड़ेगा कि हम 27/8 पाई को क्यों कॉमन लिए हैं, क्योंकि सवाल में था 27/8 पाई, तो सब में से कॉमन कर लिए, पाई तो कॉमन ऑलरेडी होता, 27/8 हम खुद कॉमन ले लिए हैं, तो यहां बनेगा 4x², ठीक है, प्लस यहां कितना बनेगा 27/2, यहां पे भी बन रहा है तो 27/2 बन रहा है, तो 27/2 यहां पे कितना बनेगा 4x, क्योंकि 4 × 8 तो 27/2 और पाई का पाई रहेगा और x का x रहेगा, प्लस 27/8 पाई को कॉमन ले लिए तो यहां पे 1 बचेगा। अब इसी को हम अगर आगे सॉल्यूशन करें, ध्यान दीजिएगा यहां पे पाई एक छूट गया है, और यहां पे हम लोग क्यों आखिर कॉमन लिए 27/8 पाई, क्योंकि आंसर में वैसे ही रूप में आंसर दिया है, इसलिए हम आपको लाकर दिखाते ताकि आप डाइवर्ट नहीं हो जाएं। 27/8 पाई, ठीक है, यहां 4x² का मतलब हुआ कि 2x² लिख सकते हैं ना भाई, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 2x × 1 लिखा जा सकता है ना, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे अब जो बन गया a² + 2ab + b², तो ये फार्मूला होता है a + b² का होल स्क्वायर, इसीलिए हम इसको 2x + 1 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हम लोगों का आंसर है, लास्ट आंसर, ठीक है। हालांकि एक गलती किए हम लोग, पाई का वैल्यू वहां पे गलती से छूट गया, आप जरूर उसको लेकर लेना ही लेना है, ठीक है, वहां पे ध्यान नहीं दिए होंगे, छूट गया और फिर आंसर में पाई देखे तो पता चला। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को, ये 13 ही था ना, हाँ 13 था, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों के लिए। हालांकि इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन 18 है, लेकिन हम लोग बाकी सभी सारा क्वेश्चन को इसमें कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 मेरा अभी बच रहा है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और इस तरह से मेरा जो चैप्टर है 6.1 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगा। 6.1 में जो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, ठीक है, यानी कि एक सैंड जो है, सैंड मतलब बालू, ठीक है, बालू जो है एक पाइप के द्वारा गिराया जाता है, फिगर जरा देखिए पता चलेगा, एक बालू जो है गिराया जाता है एक पाइप के द्वारा, मान लिया कि एक पाइप है, ठीक है, यहां पे ये पाइप से बालू आ रहा है। अब जैसे ही अगर पाइप से अगर बालू आ रहा होता है तो बालू का एक ढेर बनता है, वो कैसे बनता है जरा देखिए, यानी कि ऐसे ही एक बालू का, ये क्या है, सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, बोल रहे हैं कि बालू जो है एक पाइप के थ्रू गिराया जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा, जब एक पाइप को गिराया जाता है कहां पे, नीचे, तो ये किस तरह का आकृति बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है, जिसको हिंदी में
शंकु कहते हैं, ठीक है। अब शंकु जो बन रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ त्रिज्या होता है और कुछ ना कुछ ऊंचाई होता है, तो हम फिलहाल इसकी त्रिज्या को मान लिए हैं r। त्रिज्या को कितना मान लिए? r। और इसकी हाइट को मान लिए, इसका जो हाइट है इसके हाइट को मान लिए h, ठीक है। हाइट इसका कितना है? h। रेडियस कितना है? r। सवाल बोल रहा है कि जब इस सैंड, इस पाइप से सैंड जो आता है वो कितना रेट से आता है? 12 सेंटीमीटर क्यू पर सेकंड से आता है। तो जब भी सेंटीमीटर क्यू दे दिया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया ना, यानी कि गिवन है सवाल में, क्या गिवन है भाई? तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना? तो 12 सेंटीमीटर क्यू प्रति सेकंड। सेंटीमीटर क्यू में दिया है इसलिए हम बोलेंगे कि डीवी बटा डीटी का वैल्यू दे दिया कितना? 12 सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड। डीवी बटा डीटी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रति सेकेंड है, तो यानी कि वॉल्यूम को डीटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होगा तभी ना वो 12 सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड आ रहा होगा। इसीलिए हम यहां से दिमाग लगाए कि यहां पे डीवी बटा डीटी का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? व्हेन ग्राउंड सच द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1 जीटा। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, और करके हम एक और चीज लिख सकते हैं कि और क्या दिया है। तो बोल रहा है कि जो हाइट है किसका? कोन का। कोन का हाइट को हम एच बोल रहे हैं, तो हाइट जो है रेडियस का 1/6 है। 1/6 का मतलब 1/6 है। तो जो हाइट है किसका? कोन का, वो रेडियस का 1/6 है, ये बोला है सवाल में। तो जो हाइट है 1/6 है किसका? रेडियस का। तो हम इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि h बराबर r/6, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r का वैल्यू 6h के बराबर होगा। r का वैल्यू 6h के बराबर होगा। और फिर क्या बोल रहे हैं कि हमको हाइट का में चेंज निकालना है, यानी सवाल में ये बोल रहा है कि आप हाइट निकालिए, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जो है आपको निकालना है। इसका मतलब आपको dh/dt जो है निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले dh/dt किसी तरीके से निकालना है आपको दिमाग लगाकर। आप सबसे ये पहले लिखिए कि चूंकि सिंस dv/dt का वैल्यू कितना दिया है? dv/dt का वैल्यू दिया है 12, ठीक है। हियर यहां v का वैल्यू कितना होगा? इस v का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन ना, यानी कि शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, समझे। dv/dt बराबर 12 यहां से, और ये फॉर्मूला होता है भी का कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे तो क्या क्या बनेगा जरा देखिए। अब इस भी के जगह पे हम लोग इतना रखेंगे, तो अब उसको लिखिएगा नाउ भी के जगह पे कितना? d 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा dt इज इक्वल टू 12, ठीक है। भी का मान रख दिए क्योंकि फार्मूला होता है कोण का। अच्छा, फिर लिखिएगा d 1/3। अच्छा, ऐसा करते हैं 1/3 पाई जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो 1/3 पाई बाहर निकालिए तो अंदर में क्या बचेगा? dr^h/dt इज इक्वल टू में 12, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे क्या बनेगा? 1/3 पाई d
आर स्क्वायर, देखिए आर का वैल्यू कितना, हम लोग जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है ना सवाल में, कहीं ना कहीं सबका यूज भी होता है, फालतू का चीजें नहीं दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना निकाले, 6H, तो इस आर के जगह पे आप रख दीजिए 6H, तो यहाँ हो जाएगा 6H का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर के जगह पे 6H रखिएगा तो यहाँ 6H का होल स्क्वायर होगा, और इंटू में कितना H बटा कितना dt इज इक्वल टू कितना 12। चलिए अब इसका इस्तेमाल था इसीलिए हम उस टाइम मिटाए नहीं थे। चलिए उसके बाद अब यहां से आपको चलते चलते किसी तरीके से dh बटा dt निकालना है, तो अब यहां पे देखिए तो क्या बन रहा है, 1/3 pi इंटू d के अंदर अब क्या बच गया, तो 6×6 36 h स्क्वायर इंटू h बटा में dt इज इक्वल टू में 12। फिर इधर क्या बनेगा जरा देखिए, यहां बन रहा है 1/3 pi, अब के बाद 36 भी तो कांस्टेंट है, यानी कि 36 को हम बाहर निकाल लिए तो 36 बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बच रहा है, h³/dt = 12 ये बन रहा है। अब ये जब बन रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि 12 + 36 तो इधर कितना बन रहा है, 12 pi, पाई गुना 12 यानी कि 12 pi इंटू डी एच क्यू का डिफरेंसिएशन, तो डी एच क्यू को किसके रिस्पेक्ट में, तो एच के रिस्पेक्ट में, और फिर नीचे वाला एच कहां चला जाएगा ऊपर, तो डी एच बट्टा बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू में 12। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12 12 क्या हो रहा है, कैंसिल, तो यहां पर इधर कितना बन रहा है पाई, क्योंकि इधर भी 12 है उधर भी 12 है तो कैंसिल आउट हो गया, यहां बन रहा है पाई इंटू एच क्यू का डिफरेंसिएशन एच के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 3H² कितना होगा, 3H² इंटू डी एच बटा में डी टी इंटू डी एच बटा में डी टी इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो यहां से तो 12 12 कट गया, कितनी बार में, एक बार में, तो यहां हो जाएगा 1। अब जरा आप देखिए तो यहां से हम dh बटा dt कैसे निकालेंगे, तो बन रहा है यहां पे, चूंकि dh बटा dt का वैल्यू निकालना है तो ये सभी गुना में है ना, तो कहां चली जाएगी, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो यहां पे लिखेंगे इसलिए dh बटा dt का जो वैल्यू होगा वो 1/π इंटू 3H²। सवाल में क्या बोला है, when h का वैल्यू हाइट कितना रखना है, देखिए सवाल में लिखा हुआ है सैंड कोन इंक्रीज when the हाइट इज 4 cm, यानी कि हाइट कितना रखना है 4 cm, तो हाइट जो है रखना है 4 cm, तो जब हाइट 4 cm रखेंगे इसलिए dh बटा dt का मान कितना होगा, 1/π गुने 3×H², तो H की जगह पे कितना रखना है 4, तो यहाँ 4² तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा 4×16 और 16 = 48, तो 1/48 pi, लेकिन किसमें उसका यूनिट देखिए, तो उसका यूनिट किसमें होगा, तो उसका जो यूनिट होगा हाइट दिया है, तो हाइट सेंटीमीटर में होगा प्रति सेकेंड क्योंकि टाइम है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से ये खत्म हो चुका है हम लोगों का 6.1 एक्सरसाइज। तो 6.1 टोटल खत्म होने के बाद चलिए आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो थ्योरी है उसमें कुछ हम लोगों को सीखना होगा, तभी आपको 6.2 की जो सवाल है वो सवाल आपको समझ में आएगा। जैसा कि हम लोग हर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ न कुछ चीजें सीखते हैं, वैसे ही पिछले में भी देख लीजिए 6.1 तभी आपको समझ में आया जब हम लोग की उसका थ्योरी पता चला, कुछ फार्मूला, कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, तो उन सारी चीजों से हम लोगों को आइडिया मिल गया MCMR क्या होता है, तो सभी चीजें हम लोग सीखे। चलिए आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के थ्योरी पढ़ने।
तो 6.2 का थ्योरी में जो टॉपिक्स बनाया हुआ है ये लिखा हुआ है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? तो दोस्तों मोनोटोनिक फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है। मोनोटोनिक फंक्शन को क्या बोला जाता है? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग ग्राफ की सहायता से देखेंगे। आपके सामने टोटल 8 ग्राफ होने वाला है अभी, इसीलिए 8 तरह का फिगर बनाया हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और फिर नीचे 5, 6, 7, 8। टोटल 8 ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो इसीलिए सब में आप जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूर ऐड कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन एक्स अक्ष है और कौन वाई अक्ष है। एक्चुअली में एक्स और वाई अक्ष ग्राफ में दिखाना जरूरी होता है, तो इसको आप हो सके तो आप ग्राफ में बनाइएगा तो और बेटर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राफ की सहायता से ये सीखने वाले हैं कि अगर किस तरीके का ग्राफ रहेगा तो उसका मतलब क्या समझना है। यानी कि आज वैसा टाइम हम लोग को आया है कि ग्राफ देखकर हम उसका नाम कैसे रखेंगे। चलिए जरा सीखते हैं। अगर ग्राफ ऐसा रहा, कैसा रहा? ऐसा, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग पेन से बनाते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। देखिए ये ग्राफ है, मोटा नहीं करना है, हम आपको दिखा रहे लिखकर। अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो आपको क्या मतलब समझना है कि ये जो है इंक्रीज। देखिए मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब हुआ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना, ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। एक और टाइप्स होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जरा बात समझिए, अगर कोई बोलेगा कि हम डर गए, सवाल ध्यान से सुनिएगा जो बात का है, हम डर गए। डर गए का मतलब क्या? हाँ कुछ हो रहा होगा जिसके वजह से वो डर गया होगा, लेकिन एक जो है अचानक से डर गया। अचानक सा डरना और एक सिंपल से डरना दोनों में अंतर है। अचानक का मतलब ये हुआ कि वो उसको लगा कि मतलब एट ए टाइम तुरंत, कहने उससे पहले कुछ जानकारी नहीं था और फिर अचानक से कुछ हो गया। अचानक का मतलब सडनली, तुरंत, ऐसा बिल्कुल उसके बारे में कुछ सोचा नहीं कि वैसा कुछ हो जाना, अचानक होता है। जैसे मान लिया अचानक एक्सीडेंट का होना अचानक होता है ना। यानी अचानक का मतलब होता है कि कम टाइम में बहुत बड़ी चीजों का हो जाना, उसको अचानक कहा जाता, ठीक है। अचानक नींद आ जाना, अचानक नींद का मतलब क्या? हमको पता भी नहीं चला हम कब सो गए, अचानक नींद, है ना। और एक होता है सिंपल से नींद, हाँ हमको लगा है कि हम लेटे हैं और 10-15-20 मिनट के बाद नींद आया, तो इसको बोलते हैं सिंपल वे में नींद आना। अचानक नींद आना का मतलब कि आप लेटे नहीं कि तुरंत नींद आ गया। तो अचानक का मतलब होता है कम टाइम में तुरंत भर में अपना आपा खो बैठना या फिर जो चीजें घटना घट जाना, उसको बोलते हैं अचानक, ठीक है। तो यहां पे भी एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, यानी कि एक बढ़ता है और एक घटता है। लेकिन इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अस्ट्रिक्टली, अस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अस्ट्रिक्टली जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है अचानक बढ़ जाना, अचानक बढ़ोतरी हो जाना। उसी तरीके से एक और टाइप है अस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पूरा लिख लीजिएगा, डेक लिखा हुआ है, डेक का मतलब डिक्रीजिंग। तो हम यहां से समझाना चाह रहे हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है इंक्रीज करना यानी कि बढ़ना,
या फिर डिक्रीज करना। डिक्रीज का मतलब घटना। अब इसका भी दो पार्ट्स और है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब अचानक से बढ़ जाना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है अचानक से घट जाना। अब ग्राफ को देखकर हम चीजें समझेंगे। अगर ऐसा कहीं भी ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है तो आप देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे थोड़ा ना बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ रहा है। ये अचानक से बढ़ रहा है तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि अगर ये अचानक बढ़ रहा है, देखिए हम आपको दो सिचुएशन दिखाते हैं। एक यहां पर सिचुएशन है, यहां से शुरू हुआ, यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ। देखिए दोनों सिचुएशन है। अब दोनों में यहां से यह शुरू हुआ तो यहां से भी ये बढ़ रहा था, यहां से भी ये तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना कुछ, यानी कि ये जो हुआ बहुत दिन तक ये इसी पोजीशन में रहा, फिर कुछ टाइम में आगे बढ़ा, फिर कुछ टाइम तक यही तक चला, फिर आगे बढ़ा, यानी इसको बोलेंगे हम लोग सिर्फ सिर्फ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग लेकिन इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझिए, स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहे, क्योंकि हमेशा हर टाइम ये बढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां हर टाइम नहीं बढ़ रहा है। मेरा पेन यहां है, अब यहां से जब यहां रखेंगे तो अभी वही पोजीशन पे है क्योंकि उसी के सामने है, ये बढ़ नहीं रहा है। यानी कि अगर ऐसा कहीं ग्राफ रहेगा हम समझेंगे कि सिर्फ इंक्रीजिंग हो रहा है, और अगर ऐसा कहीं ग्राफ मिलेगा इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि हमेशा बढ़ ही रहा है, अचानक से बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर एक और हम लोग देखते हैं, अगर ग्राफ ऐसा कुछ रहा, ठीक ऐसा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ना तो बढ़ रहा है और न ही घट रहा है, एक सीधे रास्ते में अपने रास्ते से चल रहा है, चल रहा है। इसको बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ, सबका ग्राफ उसके नीचे लिखिएगा, ग्राफ के नीचे, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसी में लिख दे रहे हैं। तो ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट का ग्राफ है। जरा एक चीज और हम लोग देखते हैं, अगर मान लिया कि कोई ग्राफ ऐसे शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तब हम इसको कौन सा ग्राफ बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि वो अचानक से हमेशा घटने का प्रयास कर रहा है, हमेशा घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ है। जरा और ग्राफ लेते हैं, तो अगर मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई ग्राफ ऐसे ऐसे दिख रहा है, यहां से चलना शुरू हुआ, आगे चला, फिर नीचे, फिर आगे चला, फिर नीचे चला, फिर आगे चला, फिर नीचे चला, अगर ऐसा कहीं भी ग्राफ मिलेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा? इंक्रीजिंग बोलिएगा कि डिक्रीजिंग बोलिएगा, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलिएगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलिएगा? आप सोचिए, चूंकि चलना वो ऊपर से किया है, धीरे धीरे तो नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो घट रहा है, तो घट रहा है तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो डिक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन यहां पे चीजें धीरे धीरे घट रही है, अचानक से नहीं घट रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग, बस यहां पे स्ट्रिक्टली नहीं लगाएंगे। एक और चीज दिखाते हैं, अगर मान लिया ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और ग्राफ आगे की ओर ऐसे चलते गया, तब हम इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलेंगे? यहां से शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर आगे की ओर गया है, तो जब ऊपर की ओर गया तो यहां तो क्लियर हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बढ़ा है। अब इंक्रीजिंग में कौन सा, धीरे धीरे बढ़ा कि अचानक बढ़ा? तो ये पॉइंट्स को देखिए, हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जरा अगले ग्राफ पे आते हैं। अगर मान लिया कि ग्राफ ऐसे है,
यहां से चलना शुरू किया, आगे गया, ठीक है, आगे गया, फिर नीचे आया, देख पा रहे होंगे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ऐसा ग्राफ अगर आपको दिखे तो आप इसको कौन सा ग्राफ बोलिएगा? तो दोस्तों इसको बोलते हैं नहीं ये इंक्रीज कर रहा है और नहीं ये डिक्रीज कर रहा है, न कि ये बढ़ रहा है और नहीं घट रहा है। देख पा रहे होंगे यहां से यहां गया फिर नीचे आया फिर, तो हम इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका नाम क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि नहीं ये बढ़ रहा है और नहीं ये घट रहा है। एक लास्ट पोजीशन पे आते हैं। अगर मान लिया कि ग्राफ ऐसा रहा, यहां से चलना शुरू किया है और यहां तक ऐसे इस रास्ते से ये ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो हम इसको ग्राफ क्या बोलेंगे? तो ये ऊपर से नीचे गया है, इसका मतलब कि डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग में कौन सा? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये अचानक से घटा है, अचानक से घटा है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये ग्राफ हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले 6.2 के थ्योरी में मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में जानना था कि आखिर ये चीजें क्या होता है, किसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, किसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो मोनोटोनिक के बारे में आज हम लोगों ने सीखा 6.2 के थ्योरी में। ठीक है, अब इन जो ग्राफ है इनको अच्छे से अच्छे तरीके से आप थ्योरी में बनाइएगा, बिल्कुल फ्रेश, अलग अलग तरह का पेन यूज कीजिएगा तो अच्छा से दिखेगा, है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर 6.2 का थ्योरी खत्म? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चीजें हैं, अभी बहुत चीजें हैं जिसको सीखना बाकी है। तो खैर टाइम इज ओवर नाउ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया मैथ्स पे, तो आज इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में 6.2 के थ्योरी के साथ। चूंकि अभी खत्म नहीं हुआ है तो आगे की पढ़ाई अगले दिन, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।